हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, जय स्वामीनारायण। मैं भी चला ला चुकी हूँ, थोड़ी सी मेरी हेल्प की ज़रूरत थी, इसलिए मैं भी आ गई दो तीन दिन के लिए। यहाँ पे मस्त मस्त गार्डन भी हरा भरा हो गया है। कितना बड़ा है ना, तो भी उसे उठाना है। ओ, यहाँ पे गार्डन की मावजत हो रही है। काका जय स्वामी नारायण। सारुन तबियत पानी। ये सब छोड़ को पानी डाल रहे हैं। किचन में किंजल क्या कर रही है? किंजल गुड मॉर्निंग, जय स्वामी नारायण। कैसी है तबियत? अच्छी है, देखो अभी काम में लग गए हैं, क्योंकि आज इतना काम मतलब एक कथा हो गया है, पूरे दिन करेंगे ना तो अभी खत्म नहीं होगा, तो है ना हम दोनों, इसलिए हो जाएगा। क्या बना रही हो? अभी रोटी मेरे पास खा ली, अभी दस की रोटी बना रही हूँ। हाँ, हमारा तो उपवास है ना। यस, उपवास है मेरा। तुम क्या खाओगी? सुबह तो कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, पी लेना बिल्कुल। हमारा आधा काम हो गया है, आधा काम बाकी है, और आज तो पूरा दिन काम ही काम होने वाला है, रहने वाला है। ये क्या बोलती है? थक जाने वाली? ना ना, मैं से नहीं थकती, काम करके मैं नहीं थकती। तो बहुत स्ट्रांग है ना? स्ट्रांग हूँ। हम दोनों से करेंगे ना तो फटाफट हो जाएगा। आरु सो खा चो तू? आरु कैसी है तबीयत आपकी? अच्छी है, अभी लगता है बहुत अच्छी है, सुबह से बोले जा रहे हैं। इतना मत बोलिए, थोड़ा आराम कीजिए। अच्छा दिन कुछ बोले नहीं थे ना, इसलिए एक साथ बोल रहे हैं। कारू चना आज? हाँ सर। नाश्ता कर लिया? मस्त है, रोटी खा ली। જોરદાર હાલ લાગે છે નહીં? લીલી સિંઘ અંકલ લાયે છે સીટી સી, મુજે થોડી સી ભૂખ લગી હે, ઇસલિયે હમ ચેક કરો, ગરમ ગરમ સબ લોગ ખાયેંગે। રાજુભાઈ ઓર ગુલા કાકા ભી આ ગયે હે, જય સ્વામી નારાયણ। તબિયત કેમ છે તમારી? તો વાંધો નહીં, પૂજા કર રહી હે। આરુ જેજે વાલા ક્યાં છે? આરુ જેજે વાલા કરો, અબ માળા કર રહી હે, યહાં સે હાથ ડાલો। ઓહો, આરુ માળા કર રહી હે, નજર ઉધર ઉધર કર રહી હે। वाव, यहाँ पे मेरी मस्त मस्त सिंगी देखे गई है, गर्मा गर्म खा लेते। रूही 9 फ्रेश हो गई है। रूही तो बहुत क्यूट क्यूट लग रही है। रूही बहुत क्यूट क्यूट लग रही हो तुम। मैं मम्मी ने नहलाया इसीलिए। क्या कर रही है तू बैग के साथ? बैग अच्छी सी कर रही हूँ। ऐसा गंदी गंदी लग रही है। फट गई ना, इसलिए न्यू ली है ना। ओके, संडे तो क्या करना है? संडे तो खेलना है। ऐसा है? ए रूही, तू शू बात करती? मैं स्कूल नहीं, तमार खरगोश है तो हम शू बात करती थी? ना, आटलो घर है तू ने? हाँ। ना, बिलाड़ी नू
खरगोश खरगोश होता क्यूट क्यूट होता क्यूट क्यूट होता जो क्यूट क्यूट होता કેજો પેલા યહાં પે મોસંબી કા જ્યુસ નીકળ રહી હૈ કિંજો વ્યવસ્થા ચલ રહી અભી તો હા દર્શકો तो ताकत आ जाए ना उसके ताकत आए ना तो देखो अभी ऐसे ही खाने लगी उसको बहुत अच्छी लग रही है आरु ए आरोही आरोही मुश्किल हो गई सराल के बटे की भी गोल हो गई है यहाँ पे लौकी की सब्जी चढ़ रही है मेरी पक रही है मेरी आधे रसे हो गई है अब मैं आटा भी गूंध लिया है अब रोटली ही खाली बेलना बाकी है यहाँ पे मेरी सब्जी भी हो गई है बच्चों के लिए आलू की सब्जी है मस्त मस्त यहाँ पे लौकी की सब्जी है बड़ों के लिए यहाँ पे मेरी फराड़ी सिक्की बाजी यम्मी यम्मी मुँह में पानी आ गया यहाँ पे जीजा के लिए लौकी की सब्जी है बिना मिर्च डाले भी यहाँ पे मैंने आटा भी गूंध लिया है अब मेरे को रोटी ही बाकी है यहाँ पे दोनों बहनें खेल रही है अरे वाह और वो कितना अच्छा लगता है बहुत मजा आ रहा है चलते किचन में किंजल बना रही है रोटली मेरी ड्यूटी पूरी हो गई अब किंजल की ड्यूटी सारी हो गई है मेरी बारी है अब तुम्हारी बारी है यहाँ पे रोटली बन रही है भूख नहीं लगी विराज तुझे लगी है ना क्योंकि ऊपर था तुम्हारा बहुत बढ़िया हो रही है फूली नड़ा दी थे जो मैंने खाना खा लिया मुझे बहुत भूख लगी थी इसलिए और सब लोग बैठ गए खाने के लिए अरे दोनों बहने साथ में बैठ गई है भूख लगते तब कैसे बैठ जाते सब्जी अच्छी बनी है बहुत मस्त दोनों ओके ओके रुई भाई उतने बटेकन शाक स्पेशल बटेकन शाक बनाओ पड़े तो ही खाए नहीं छोकरी मारी और यहाँ पे बैठ गए जीजा जम्मू ने तुम्हारे हवे हाँ बैठ जाओ वीडियो अपलोड करके सब लोगों को वेट कर रहे हैं नहीं हाँ सब लोग वेट करते होंगे हेलो फ्रेंड आज मैं बनाने वाली हूँ पात्रा और आप सबके साथ में पात्रा की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ यहाँ पे आइए आज जूस बना रही हूँ चीकू का दर्शक के लिए यस वही आज कुछ नया तो है नहीं यस पात्रा बनाएंगे पात्रा की रेसिपी सबको दिखाएंगे और बनाएंगे और खाएंगे और एंजॉय करेंगे ये जो पग पग ऊंचा करके ही गिनाती है यहाँ पे बस अरे सो खाचो हैं सो खाचो मस्त है ये यम्मी यम्मी चलिए मैं अब स्टार्ट करती हूँ पात्रा बनाना यहाँ पे सब कुछ मैंने रेडी कर लिया है बेसन का आटा है नमक अजवाइन और शुगर और इसमें जो जो चाहे उसमें हम डालेंगे और चलिए हम पहले पात्रा का पान तोड़ जाते हैं बाद में कंटिन्यू करते हैं Thank you.
का भी मस्त मस्त मैंने ले लिया है हमारे गार्डन से। यस तो मस्त रेसिपी के साथ विराली आज बनाएगी यूनिक कुछ पात्रा। यूनिक तो नहीं है यूनिक ही होता है विराली। ओके okay. अच्छा लगता है वो यूनिक ही होता है। राइट अब हम उसको वॉश कर देंगे बाद में उसको okay. बनाएंगे। तो बड़े बड़े पैन ले लिए है विराली ने तो मस्त वॉश करेंगे। तो चलो वॉश कर दो पहले। अब हम उसके पात्रा के पान की हम नस निकालेंगे। पात्रा की जो नस होती है ना बड़ी वाली हम निकालना है और पात्र हमारे कुण है इसलिए यही एक नस निकालेंगे। साइड में भी निकालनी है वो तो अच्छी है पूरी है पूरी तो। हाँ। अब मैंने निकाल दी पात्रा की पान की सब सारी नस निकाल दी। अब बनाना मेरे को बेटर। चलिए दिखाती हूँ। यहाँ पे बेसन का आटा हमने ले लिया है। लाल मिर्च पाउडर डालेंगे इसमें हम। धनिया जीरा पाउडर। अब उसमें हम अजवाइन डालेंगे थोड़ी सी। फिर हम नमक डालेंगे और शुगर भी डालेंगे हम और गरम मसाला और लाइट भी चली गई बीच में या मिक्स कर देंगे अब और पानी डालते जाएंगे थोड़ा थोड़ा और मिक्स करते जाएंगे। मस्त मस्त बैटर भी रेडी हो गया है। उसमें हम इनो डालेंगे थोड़ा सा और उसके ऊपर हम लेमन डाल देंगे। लेमन मस्त मस्त स्मेल आ रही है। चलो तो नहीं खा पाओगी ना विराली? ना मैं आपके लिए बना रही हूँ सबके लिए हमारे लिए और सब व्यूअर्स के लिए। यस यस राइट। अब हम पान के ऊपर बेसन का बैटर अप्लाई करेंगे। जितना बैटर हमारा पतला होगा ना इतना ही हमारा पात्र एकदम सॉफ्ट और यम्मी यम्मी बनेगा। और उसके ऊपर हम दूसरा पान लगाएंगे और वापस बैटर हम अप्लाई करेंगे। बैटर गाढ़ा होता है ना तो पात्रा एकदम कड़क हो जाता है इसलिए हम अच्छा नहीं लगता है ना टेस्ट में अच्छा नहीं आता। उसमें हम छोटा वाला रख देंगे। हम तीन तीन पान की लेयर करेंगे ताकि पतला और अच्छा बने। अब इसको रोल बनाना है ना। रोल मस्त मस्त रोल भी रेडी हो गया है। यहाँ पे मैंने आंदन भी रख दिया है उकल गया आंदन यहाँ पे मैंने रख दिया है। अब उस पर हम ढक्कन ढक देंगे और 10 मिनट बाद हम चेक करेंगे। वाह वाह धुमाड़ा धुमाड़ा। चेक कर लेते अच्छी तरह से मस्त मस्त अच्छी तरह से पक गए। चलो निकाल देंगे बाद में कटिंग कर देंगे बाद में फ्राई करेंगे। अब हम कटिंग कर लेंगे। कितना मस्त मस्त जो हुआ रोल कितना मस्त हुआ नहीं। नोट कम डाला है ना तो अच्छा लगेगा एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट एकदम सॉफ्ट होता है। यहाँ पे मैंने तेल भी रख दिया था हमारा तेल आ गया है। हमने राई भी डाल दी है। अब हम इसमें तिल डालेंगे और ये डालेंगे और करी पत्ता।
चलो सबको पूछते हैं मेरा हाथ का पात्रा सबको कैसा कैसा लगा है? बहुत ही ज्यादा मस्त ऐसा है, गर्मा गर्म तो बहुत अच्छा लगता है। जीजू तुमने क्या वाला लगा? आज पहली बार टेस्टी खा दू नहीं, काफी टाइम के बाद ये कुछ अलग खाया, मजा थोड़ा स्वीट स्वीट लग रहा है, तो अलग लग रहा है। कई दिनों से तो फीका फीका ही खा रहे थे। रोही तने क्या लगा पात्रा? क्या लगा काका? अरे सुपर, बहुत मजा आया। तो वांदो ले 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 फटाफट फटाफट, गरम लाग तुझे जेने गरम लागे ले मम मम चले ले। मस्त मस्त यहाँ पे मौसम हो गया है शाम का, और यहाँ पे दोनों बैठ गए हैं। कंटाळा आवे छे जो यहाँ पे, जीजा बोरिंग हो रहे हैं। सारू थे गेम नत के तो कंटाळा आवे छे घरे बैठा बैठा। हा हूं करू काम होय तो अपना फटाफट थाय, मजा नथी तो काम करू केम गमे तो, એટલે તો બેઠો ચાં દીધી ને કનો કામ કર્યા કરું। दो तीन दिन आराम कर लो, बाद में काम करना ही है। बाद में कोई नहीं बोलेंगे आपको आराम करो। मैं तो बोलती हूँ बार बार, आराम तब नहीं करेंगे, काम के पीछे भागते हैं बहुत, ऐसा ही होता है, इसीलिए तो बीमार पड़ते हैं। काम के पीछे इतना मत भागो कि आपकी तबीयत खराब हो जाए। मैं बहुत भागता था, मैं बहुत रोकती थी, नतीजा भी आपके सामने है। मतलब काम से तबीयत नहीं बिगड़ती, शेड्यूल बिगड़ता है ना, इसीलिए तबीयत बिगड़ती है। आपका शेड्यूल अच्छा रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन क्या है अब कभी शेड्यूल टाइट हो जाता है तब दूसरे दिन पे काम छोड़ना चाहिए। हम उसी दिन निपटाने का सोच रहे हैं, इसलिए थोड़ी तबीयत अब डाउन हो जाती है। अरुण बाबा जय स्वामी नारायण। चलो आज मारा मैं बोली दो मस्त मस्त कीर्तन। जय स्वामी नारायण, जय स्वामी नारायण। हाँ बोलो बोलो। यहाँ पे जो वृंदावन जैसा नजारा हो गया है, तुलसी बनी यहाँ पे, कितना मस्त मस्त तुलसी यहाँ पे, वाह बहुत सारे तुलसी है यहाँ पे। बाबू और काका बैठ गए, मेरे लोग में कीर्तन गाने वाले हैं आज। बाबू गाओ कीर्तन। जय स्वामी नारायण। आ तो विराली ना वीडियो में हमने मौको मिलो से भक्ति नो सत्संग मार्ग नो। हां हाची बात छे। तमे भावे भजी लो भगवान जीवन थोड़ो रयो, कई कई आत्मा नो करजो कल्याण जीवन थोड़ो रयो, एने दीते ला कोलते भूली गया जूठी माया ना मोह मागेला थया। जय स्वामी नारायण। जय स्वामी नारायण। नारायण भगवान आपने मनुष्य नो अवतार आप्यो छे भक्ति करवा माटे। हां हाची वात छे, आपणे बधुं छे ने पैसा ने मारा ડોટ કાઢી છે અને મોહ માયા માં બધા ઘેલા થઈ ગયા છે, જે આજુ કરવાનું છે નથી થતું અને નથી કરવાનું બધું થાય છે, માણસ નો અવતાર તો આપણે મનુષ્ય નો દેહ છે અને મૃત્યુ છે છે ને છે, એટલે જે મનુષ્ય નો અવતાર તો ભગવાન જન્મ મરણ ને ફેરા સુધારવા માટે આપ્યો છે ને, આપણે કોઈને ખ્યાલ નથી રહેતો, હા ઈ કોઈ નથી કરતા, એટલે આ ભગવાન જે કીર્તન લખ્યું છે ને બ્રહ્માનંદ સ્વામી અને મુક્તાનંદ સ્વામી ના અદ્ભુત છે, અને સ્વામિનારાયણ ભગવાન નો કીર્તન ગાયન જો આપણે ઉપર વયા જાય ને તો મોક્ષ થઈ જાય, જન્મ મરણ ના ફેરા ટળી જાય, ટળી જાય, આવો મહાન પ્રતાપ છે સ્વામિનારાયણ ભગવાન નો। જય સ્વામિનારાયણ, જય સ્વામિનારાયણ। यहाँ पे मेरी आरोही भी आ गई, हिचके खाना गई थी। कारू क्या गई थी? बाबा गई थी क्या? गई थी बाबा गई थी। अरे वाह बाबा, यहाँ पे मस्त मस्त हल्दी भी रेडी हो गई है, बहुत सारी हल्दी है यहाँ पे। तो ये हमारा गार्डन, यहाँ पे भिंडी भी आना शुरू हो गई है, यहाँ पे छोटी छोटी भिंडी आ रही है उसमें, वाह वेले भी कहाँ कहाँ वेले भी चढ़ गए हैं। ये कारले का वेला है, बहुत अच्छा मौसम है यहाँ तो। ये वीडियो का मैं यही एंड करती हूँ, और लाइक करो शेयर करो सब्सक्राइब करो। बाय।